بسم الله الرحمن الرحيم وإذا هيئتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله مولانا العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی تنہائی وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش لجپال غریب نواز اور کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیئن قدیر فعال لما یرید جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری تہاڈی سب دی جان ہے جو اللہ ازل تو ہے ابد تک رہے گا اس دی ذات دا کوئی ساجی شریک پائی وال نہیں اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگن تلا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید السکلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میرے تواڈے سبنہ دی طرف ہو اپنے اس پاک مکمل کامل اکمل محبوب ہستی تے انگنت لا تعداد درود و سلام دا نظرانہ قبول و منظور فرمائے اور ساڈا اج دا بھیجیا آیا درود پاک اللہ ساڈے واسطے باعث رحمت اور برکت بنائے اور اس دے عوض دے اندر کل قیامت دے دن اللہ سانوں اپنے پاک محبوب دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے اور آپ دی شفاعت کبریٰ عطا کر کے آپ دے نال جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے آمین. اسلام نے انسان نو زندگی گزارن دا مکمل طریقہ فراہم کیتا یعنی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ زندگی دا گوشہ گوشہ اور پہلو جس طرح بھی بسر کرنا ہے دین اسلام نے اس دی پوری رہنمائی فرمائی. انسان زندگی دے اندر مختلف نشیب و فراز تو گزرد ہے. کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, کتے غریبی تو بعد امیری ہے تے کتے امارت تو بعد غریبی ہے. سارے اختیارات میرے اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر نے اور جدو چاہندا ہے جس وقت چاہندا ہے جویں چاہندا ہے اویں کردا ہے.
इंसान नू इन चीज़ां नू अपने हाथ अंदर नहीं लेना चाहिए, बल्कि इंसान नू अपनी जिंदगी इस्लाम दे ऐन मुताबक बसर करनी चाहिए। कि जिवें रब रसूल ने सानू जिंदगी गुजारन दा हुक्म दिता, कोई जिंदगी दा ऐसा पहलू नहीं जिथे इस्लाम ने साड़ी रहनुमाई ना कीती होवे, कोई जिंदगी दा ऐसा गोशा नहीं जिथे इस्लाम ने सानू जिंदगी गुजारन दे वल ना दसे होन। इंसान दी पैदाइश तो लग के मौत तक और मौत तो लग के कबर तक एक एक पहलू दी अल्लाह और सूदे रसूल ने दीन इस्लाम अंदर रहनुमाई फरमाई। मैं इस्लाम नू मुकम्मल जाबता हयात समझदे आया, जिस मौजूद अज इंतखाब तू साहबाब के सामने किया वो बड़ा अहम है। बड़ी मेहनत के नाल मैं अहबाब वास्ते एक कुरान और हदीस के मोती चुन के ले आया। दुआ है अल्लाह मेरी मेहनत कबूल फरमाए और सानू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और सानू सुन सुना के अल्लाह उसते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। इब्तदा अंदर मैं गुजारिश ये करांगा कि गल्लां सुन के असी एक कन्न जो सुन के दूसरे कढ छड़ने आ, मसाल है ना पंजाबी दी। और वैसे सानू दसन वालिया नू भी चाहिए कि असी खुद भी उहदे ते अमल करिए और सुनन वाले भी उस ते अमल करन। अल्लाह सानू दोवां धीरां नू इहदे ते अमल करन वाला बना दे, क्योंकि इकबाल ने आख्या सी ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। असी सुना के झोलियाँ झाड़ के मसीते ही टुर जाने, जो मस्जिद तो मिंबर तो बाहर जाना है ना, तो फिर साडा भी अल्लाह ही हाफज है, तो आम आवाम का फिर की हाल होएगा। दुआ यही करी दी है कि अल्लाह जे सानू सुनाने वाला बनाए तो फिर सानू अमल आला भी बना। अल्लाह इलम अता फरमाए, अल्लाह कुछ भी नहीं साढ़े को, असी तो नाकस इलम लैके, असी तो बे इलम हाँ, तो अल्लाह जे को थोड़ा बहुता रत्ती दिता ही तो अल्लाह वे अमल करन दी भी तौफीक अता फरमाए। असी अपने आप नू बस सुना के समझने कि साढ़े वड्डा वड्डा मुकर्रर और मुबल्लग कोई नहीं, तो असी बस जी जनाब साड़ी बख्शिश तो इन्ना ही परवाना जारी हो गया, लिहाजा सानू सुनाने वालों ने भी गौर करना चाहिए और अमल की तौफीक रब को मंगनी चाहिए है। और सुनने वालों ने भी चाहिए कि असी जे तुहाडे वास्ते मेहनत करके लिया हां तो कुछ ओदा मुल पा के विखा दिया करो यार। असी अठ दिन ही एक जुमा पढ़ा के जाइदा, पूरे अठ दिन सोचीदा कि अगले जुमे की बयान करना है। यह जुमा पढ़ा लिया तो इस जुमे तो फौरन बाद सानू फिक्र है कि असा अगले जुमे लई मवाद केड़ा तैयार करना है। तो दुआ फरमाओ अल्लाह सानू फहम अता फरमाए, अल्लाह दीन दी समझ अता फरमाए और सानू सुन सुना के उहदे ते अमल करने वाला बनाए। मैं जिस मौजू का इंतखाब किया कि अल्लाह और उसके रसूल ने सानू जिहड़ा जिंदगी गुजारन दे वल दसे ने ना, सानू रब रसूल ने बेयारो मददगार नहीं छड़िया, सानू शूतर बेमुहार नहीं छड़िया, बल्कि जिंदगी दे हर लम्हे की रहनुमाई फरमाई है। हुण असी मुसलमान हाँ, असा कलमा पढ़िया, असा रसूलुल्लाह दे कलमे दे जरिए बैत कीती है, आप नू अपना रहबर अपना मुस्पेशवा मुक्तदा लीडर और कायद तस्लीम किया है और मन आखे है इस बात नू तस्लीम किया है और इस बात का वादा किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लैन तो बाद, असी दायरा इस्लाम अंदर आ जान तो बाद साडा अल्लाह और उसके रसूल नाल ये वादा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुराद है कि रब्बा तेरे नाल शिरक नहीं करना, तेरे तो सिवा किसी अगे सिर नहीं झुकाना, तेरे तो सिवा किसी को मदद तलब नहीं करनी, तेरे तो सिवा किसी को धियां पुत्र नहीं मंगने,
ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਫਹਿਮ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦਾ ਮੈਨਾ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਲਮੇ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਦਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰਚੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਔਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਤੇ 6 ਹੱਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 6 ਹੱਕ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ 6 ਹੱਕ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਸੁਣਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਯਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨ ਅਬੀ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹਕੁਲ ਮੁਸਲਿਮ ਅਲਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਤੁਨ ਇਜ਼ਾ ਲਕੀ ਤਹੁ ਫਸੱਲਮ ਅਲੈਹਿ ਵਾਇਜ਼ਾ ਦਆਕ ਫਉਜਿਬਹੁ ਵਾਇਜ਼ਾ ਸਤੰਸਹਕ ਫੰਸਹੁ ਵਾਇਜ਼ਾ ਅਤਸਫਹਮਿਦੱਲਾਹੁ ਫਸੰਮਤਹੁ ਵਾਇਜ਼ਾ ਮਰਿਜ਼ਾ ਫਉਦਹੁ ਵਾਇਜ਼ਾ ਮਾਤਾ ਫਤਬਹੁ ਇਹ 6 ਗੱਲਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕੌਣ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਰਾਵੀ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 6000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਰਾਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਕੁਲ ਮੁਸਲਿਮ ਅਲਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਤੁਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ 6 ਹੱਕ ਨੇ ਇਜ਼ਾ ਲਕੀ ਤਹੋ ਫਸੱਲਮ ਅਲੈਹਿ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖਣ ਕੀ ਆਖਣ ਸਲਾਮ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਅਸੀਂ ਆ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਘਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਆਖੋ ਇਹ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਲਜ਼ੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲਾ ਹੁਵਾ ਆਲਿਮੁਲ ਗੈਬ ਵਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁਵਰ ਰਹਿਮਾਨੁਰ ਰਹੀਮ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਲਜ਼ੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲਾ ਹੁਵਲ ਮਲਿਕੁਲ ਅਸਮਾਉਲ ਹੁਸਨਾ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਲਜ਼ੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲਾ ਹੁਵਾ ਅਲਿਮੁਲ ਗੈਬ ਵਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁਵਰ ਰਹਿਮਾਨੁਰ ਰਹੀਮ
सलामती वाला रब सलामती वाला कौन अल्लाह हमेशा सलामत रहने वाला मेरे रब नू उरूज ही उरूज है सवाल नहीं रब सलामती वाला है ते असी जी दो एक दूसरे नू सलाम आने आ ते असी ओदे वास्ते दुआ करने आ सलाम अलैकुम तेनू साडा रब सलामती अता करे तेनू साडा रब सलामती अता करे अल्लाह अकबर और इत मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा जेड़ा मुसलमान अपने मुसलमान भरा नू कहिंदा अस्सलाम अलैकुम पहल करया करो ना इस्लाम अंदर पहल करया करो फस्ता भी कुल खैरात नेकी दे कम अंदर पहल करया करो फरमाया जेड़ा बंदा पहला अपने वीर नू कहिंदा अस्सलाम अलैकुम अल्लाह पाक इस बंदे दे नामा अमाल अंदर दस नेकियां दर्ज कर देंदे ने ते जे आन वाला कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्ला फरमाया अल्लाह पाक इस बंदे नू वी नेकियां अता करदे ने ते जे बंदा होर इजाफा कर देवे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू मेरे नबी ने अपने लब कुछ हाई फरमाई आका फरमाते ने अल्लाह ऐसे बंदे नू त्री नेकियां ता कर देंदे ने त्री नेकियां भी माड़ी जी सुभान अल्लाह नाल ओ भी ते वेला आउणा है जदों बंदा एक एक नेकी नू तरसना है आज नेकियां कमा लै अजे वेला ही अज वेला नेकियां कमा सहाबा फरमाते ने सानू अल्लाह दे नबी ने यह वसीयत फरमाई तो फिर अल्लाह दे नबी दी कीती हुई वसीयत के सलाम कहो एक दूसरे नू सलाम आको मुसलमान दा मुसलमान ते पहला आके वे कि एक दूजे नू सलाम आखन जदों आपस अंदर मिलन ते जदों आपस अंदर मुलाकात इन्हां दी खत्म हो जाए फिर की आखन अस्सलाम अलैकुम ये उठदे आऊं लग्या भी अस्सलाम अलैकुम ते जा लग्या भी अस्सलाम अलैकुम सलाम दी दियां दवावां लैंदे ते देंदे चले जाएं मेरे आका अली सलातो सलाम ने ये वाज फरमा दी सहाबा फरमांदे ने असी जदों आपस अंदर मिलदे सां असी अस्सलाम अलैकुम क्या करदे ते जे असी रस्ते अंदर चलदे आं असी रस्ते अंदरों गुजरदे सां जे दरम्यान अंदर सफर दे अंदर कोई दरखत आ जांदा एक साबी इधरों गुजर जांदा एक इधरों गुजर जांदा ते जिदो आपस अंदर फेर मिलदे ना ते असी फेर एक दूसरे नूं आंदे अस्सलामु अलैकुम की आंदे आ अस्सलाम हो वैसे ते मुसलमान दे अपने उत्ते भी हक है ने बंदे दे अपने जिसम दे भी हक है ने बंदे दे अपने घर वालियां दे भी हक है ने बीवी बच्चियां दे भी हक है ने अपने जिस्मानी हक भी है ने हमसायां दे हक भी है ने और रिश्तेदारां दे हक भी हां हदीस अंदर आउंदा है ना मेरे आका अली सलातो सलाम दे दो यार एक दा नाम हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अनो ते दूसरे हजरत अबू दरदाम रजी अल्लाह तआला अन्हो इन्हां दोवां दी आपस अंदर बड़ी मुहब्बत सी यराना बड़ा गहरा सी इन्हां दी वालेहाना मुहब्बत सी इत्थों तक ही नहीं बल्कि मुहद्दिसीन ने लिखे आपस अंदर रिश्तेदारी भी कायम हो चुकी सी इन्हां दे नाल मुहब्बतां वध चुकियां सन हजरत अबू दरदा ते हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हो आपस अंदर मुहब्बतां वंडन वाले नाम ते हजरत अबू दरदा दी बीवी कोल एक दिन हजरत सुलेमान फारसी आए ना रजी अल्लाह ताला अनो आ घर आए ना सलाम दुआ सी व मुहब्बत सी रिश्तेदारी सी यराना सी ते घर आके हजरत अबू दरदा दी बीवी कोल पुछदे ने ए बाबा जी जान ए भैन जी दसो अबू दरदा किवें दा बंदा है ना हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अनो दी सोजा
बड़ी अकलमंद दना बीवी सन और सियानिया बीबिया जड़िया होंदिया ने ना वो गल एक ची पूरा जरा जनाब लफज समझा छड़ दिया ने गल समझा छड़ दिया ने। इन्होंने कहा हजरत सुलेमान फारसी ने कि तुहाडा शोहर अबू दरदा कैसा बंदा है। ते सैयदना अबू दरदा दी बीवी फरमांदी है तुहाडा बंदा तुहाडा दोस्त तुहाडा अजीज तुहाडा भाई जेड़ा अबू दरदा बड़ा ही चंगा बंदा है, सारी सारी रात इबादत करदे ही गुजार देंदा। इन्नी कु गल ही बस की ते हजरत सुलेमान फारसी समझ गए, वह भी नबी दे नाल रहन वाले सियाने। तो सुलेमान फारसी इस उम्मत दे सब तो ज्यादा उम्र पाने वाले, हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला जिन्हों के बारे मुहद्दिसीन ने लिखा कमोबेश आप दी उम्र 2500 साल सी। 2500 साल आपने उम्र पाई है तो मेरे ख्याल नाल गालबन जितों तक मेरे इलम के मुताबिक आपने 150 साल की उम्र च इस्लाम कबूल किया। ते आप दे सफर कितों टुरे ते कितों फारस के इलाके तो चलते चलते राहबा को ईसाइया को पादरिया को फिर मेरे मुस्तफा को आए ते इत्थे आके मदीना पाक अंदर ही फिर सारी जिंदगी गुजारी ना। ते हजरत सुलेमान फारसी सियाने बंदे सन समझ गए ते बीबी आंदी है सारी सारी रात इबादत ही करते रहिंदे ने मुसल्ले ते गुजार देंदे ने। यानी कहन दा मतलब ए वे इन्हां नूं अपनी बीवी का भी फिक्र कोई नहीं, अपनी बीवी के हकूक का फिक्र कोई नहीं, अपने बच्चियां दे हक का फिक्र कोई नहीं। अल्लाह हजरत सुलेमान फारसी आंदे ने अच्छा चलो आ लैन घर पूछ लेने। हजरत सुलेमान फारसी शाम हुई हजरत अबू दरदा घर आए ना ते आंदने अबू दरदा अज मैं भी तुहाडा ही परौना वा। अज मैं वो किस्मत वाले घर होंगे ने जिन्हां घर मेहमान आते ने जिन्हां दे घर मेहमान आते मेहमान रहमत होंगे ने। अल्लाह अल्लाह तो साढ़े तो मुआशरे के हालात इंज के हो गए ना तो जे कोई परौना आया तो मत्थे वट पै जाते हैं लै आ गए खर्चा करा है आ गई लगता है तो करो असि गल्लां करने अल्लाह माफ करे ओए मत्थे वट नहीं पाई दे वो जेड़ा आउंदा है अपनी किस्मत नाल लैके आउंदा है अपना मुकद्दर नाल लैके आउंदा है वो जो दे नसीबां विच ओनू लभी जांदा है। हजरत सुलेमान फरमांदे ने अबू दरदा अज मैं तुहाडा ही परौना वा अज रात मैं तुहाडे वल ही गुजारनी है। फरमांदे ने सौ बिस्मिल्ला जी आया नू असी तुहाडे वास्ते आदर आम। हुण हजरत अबू दरदा ने अपनी बीवी नू कह लिया भी परौना आया ते खाना बना खाना शाना खादा ते इशा पड़ी ते इशा तो बाद हजरत सुलेमान फारसी बैठे ने ते हजरत अबू दरदा भी बैठे ने। हजरत अबू दरदा उठ के ते चले ना ते हजरत सुलेमान फारसी ने पकड़ के बैठा लिया। फरमाया अबू दरदा किथे चलना है। फरमाया मैं नमाज पढ़न लगा वा मैं क़यामुल लैल करन लगा वा रब अगे नफलो नवा फल पढ़न लगा वा। हजरत सुलेमान फारसी फरमांदे ने अबू दरदा बह जा बड़ी लम्मी रात पई है फिर पढ़ लांगे बह जा मैं तेरे घर परौना आया बह जा कोई झट गप शप मार लिए कोई गल शल कर लीए। इस जनाब अबू दरदा नूं बिठा लिया इंज बैठिया बैठिया ते सौ गया अबू दरदा ते थोड़ी देर बाद उठे ना ते जनाब अबू दरदा फिर उठ के हजरत सुलेमान फारसी ने वेख्या। फरमाया अबू दरदा किधर चलना ये जनाब मैं क़यामुल लैल करन लगा वा। फरमाया बह जा अजे लेट जा सो जा अजे बड़ी लम्मी रात उन्हें उठ के ते फिर क्या मुलैल कर लवांगे। उन अद्धी रात तो ज्यादा लंघ गया ना पिछली रात का पहर आया ते हजरत अबू दरदा ना फिर उठ पै ते उठ के ते वजू करन लगे हजरत सुलेमान बल्कि इत्थे लिखे है कि हजरत पिछली राती हजरत सुलेमान फारसी उठे उठ के ते अबू दरदा नू भी उठाया आख्या उठ वही हुण रब नू मनाण दा वेला होया पिछली राती अबू सदरदा उठ हुण क्या मुलैल दा टाइम होया है उठाया वजू कीता दोवें भरा मुसल्ला डा के बह गए ना। ते हुण बीवी ए वी आंदी है कि अबू दरदा रोज़ ही रोज़ा रखदा है रोज़ाना ही नफली रोज़ा भी रखदा है। ते हजरत अबू दरदा ने नफल पढ़े ते फजर तो पहला खाना शाना खा के रोज़ा रख के ते चले गए ना। ते सुबह हुई ना ते हजरत सुलेमान फारसी बैठे ने आकर सजना
ਜਨਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਬਈ ਖਾਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਏ। ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਵੀ ਲਈਏ, ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਦੀਏ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ, ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਛੜੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮੁਲ ਲਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਆਪ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਫਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਤੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਦੀਸ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਂ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨਫਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਫਲੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਨੌਂਆਂ ਯਾਰਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਂ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਝ ਇੰਝ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਇੰਝ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਕਾ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਜਮਗਢੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਸਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੌਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਅਨਿਕਾਹ ਸੁਨਤੀ ਫਮਨ ਰਾਗਿਬਾ ਅਨ ਸੁਨਤੀ ਫਲੈ ਸਮਿੰਨੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਫਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾਵੂਦੀ ਰੋਜ਼ਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਨਾਬੇ ਦਾਵੂਦ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਗਾ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਨੇ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ,
मेरे आका ने सोमवार का जुमेरात का रोजा हमेशा रखे है। केड़ा? सोमवार ते जुमेरात। सोमवार के बारे आपने फरमाया मेरी विलादत का दिन, जुमेरात के बारे फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते बंदे दे अमाल लैके रब की बारगाह अंदर जाते हैं, तो मैं मुहम्मद का दिल करता है कि जो मेरे अमाल रब की बारगाह अंदर पेश हो तो मुहम्मद रोजे की हालत हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तेरे ते तेरा हक है, और रात नूं जिहड़ा तू सोना वह भी तेरे ते तेरे जिसम का हक है, और तेनू नाल सबक यह दिता कि सारी रात इबादत ही नहीं करनी, तेरे ते तेरी बीवी का भी हक है, तेरे ते तेरी बीवी का भी हक है। ये सबक दिता इस्लाम यार। सानू अल्लाह के नबी ने बे यारो मददगार शुतर बे मुहार नहीं छड़िया, सानू जिंदगी का एक एक वल दसिया। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया सलाम एक दूसरे नूं की कहना, सलाम आम करना। वो इतिहाक केड़ा मुसलमान दा मुसलमान दे। और सहाबा इन्नी को इहदे अंदर लगाओ रखिया, इन्नी को मुहब्बत रखी। हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अनहो आ फरमांदे ने, नबी पाक अलैहि सलात व सलाम चल के हजरत साद दे घर गए। सुबहान अल्लाह, कैसे खुशकिस्मत लोग ने कि जिन्हां दे घर नबी पाक खुद चल के गए। अज तो किसी के घर कोई एम पी एम एन आ जाए ना, कोई चेयरमैन ही आ जाए, कोई कौंसलर ही आ जाए तो वह बंदा ही नहीं मान गया फलाना चौधरी फलाना आया मेरे अल, तो उन्होंने लोगों की किस्मत के क्या कहने कि जिन्हों के दरे अकदस से चल के मुस्तफा आप जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका आए, आका ने आके हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो दे दरवाजे ते आके मेरे आका ने फरमाया जो भी किसी के घर जाओ ना इजाजत तो बगैर नहीं जान, अलबत्ता फरमाया अपने घर भी जाओ तो इबादत तो बगैर इजाजत तो बगैर नहीं जाना। हुण एक सहाबी आया अल्लाह के नबी असी घर के अंदर सिर्फ दो जी हैं, एक मैं ते एक मेरी वडेरी माँ, तो क्या मैं घर जावा तो मैं फिर भी इजाजत लैके जावा? मेरे आका फरमाते ने इजाजत लैके जा। की फरमाया? इजाजत लैके जा। सहाबी हैरान है कि अल्लाह के नबी सिर्फ एक मेरी माँ है तो मेरी माँ भी वडेरी है तो वह मेरे नाल मुहब्बत करती, मैं अपनी माँ नाल मुहब्बत करना, क्या मैं फिर भी इजाजत लैके जा? मेरे आका फरमाते ने हाँ इजाजत लैके जा। वो फिर उन्हें तीसरी मरतबा फिर सवाल किया अल्लाह के नबी साढ़े तो अलावा है कोई नहीं तो साड़ी माँ मैनू छड़ के किधरे जा भी नहीं सकती, क्या मैं फिर भी जा? आका फरमाते ने हाँ इजाजत लैके जा। तीन मरतबा ने सवाल किया, मेरे आका ने तीनों मरतबा फरमाया तू अपने घर भी जाना भावें घर कली माँ है तो इजाजत लैके जाना। फरमाया ये नसीहत की है, ये सबक की है? फरमाया मेरे आका फरमाते ने क्या तेरा दिल करता है कि तेरी माँ घर के अंदर उदों हालात इस तरह के हैं कोई अलहदा गुसलखाने वाशरूम नहीं सन आते, या तेरी माँ घर के अंदर कपड़े बदलती होवे, तेरी माँ के जिसम तो कोई गैर तवक्को कपड़ा हट गया होवे, तेरी नज़र पैर जा बर्दाश्त करेगा? फरमाया अल्लाह के नबी नहीं। फरमाया इस वास्ते अपने घर भी जाना तो की इजाजत लैके जाना, सकी बेटी के घर भी जाना इजाजत लैके जाना। अल्लाह ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हर काम अंदर ही हिकमतां ने। घर हुण ते साडा दे हालात इस तरह के ना पिंडां दे खास करके कि गुआंढी ने टोपी च अग भी रखनी होवे तो सीधा जाके ना वो जिथे माई चूल्हा बनाए उत्थे जाके खाला की हाल चाल, हुण ते सहूलतां हो गईआं इजाजत लैण दीआं। अगे हुंदा सी सलाम लैनी दरवाज़ा खड़काना, हुण ते इलैक्ट्रॉनिक दौर आ गया, बैल लगी हर दरवाजे लगियां ने घर के अंदर बैला, तो असूलन ये वे शरीयत कहती है एक मरतबा इजाजत लवो, एक मरतबा दरवाज़ा खड़काओ, अगर नहीं आया थोड़ी देर ठहर के दूसरी मरतबा खड़काओ, अगर फिर नहीं आया फिर थोड़ी देर बाद तीसरी मरतबा, अगर नहीं आया तुसी वापस चले जाओ फिर किसी टाइम आया जाया जाए, तीन बार तो ज़्यादा तुसी उन्हों नहीं इजाजत तलब कर सकते। हुण साडा एक एक करी बैल दियो नहीं आया दूसरी यार दियो तीसरी यार, ये नहीं कि साड़ के बंदा सह लवे अगले की बैल, तीन बार तो ज्यादा नहीं तीन मरतबा। मेरे आका हुण साद बिन अबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे घर गए, दरवाजे ते खड़े ने, ते हजरत साद बिन अबादा का छोटा जहा बेटा है वह भी नाल,
ते नबी अली सलातो सलाम नू हजरत साद ने गली च आंदिया वेख लिया ते सैड दे होके खड़े हो गए कि जिथे नबी पाक की नजर ना पवे। ते मेरे आका अली सलातो सलाम आए आके दरवाजे ते आख्या अस्सलामु अलैकुम। की आख्या? अस्सलामु अलैकुम। हजरत साद खड़े ने हौली जिहा अपने मुंह अंदर कह दिता वालेकुम सलाम। ते बेटा कोलो बोल के आंदा अबू जी अल्लाह दे नबी आए ने ते तुसी अल्लाह दे नबी नूं गाओ के मिलो ना। ते बेटे नूं इंज करके सैड दे करदा बेटा चुप कर जा तू ना बोल मैनू करन दे गल्लां मेरे नबी दे नाल। इंज नबी पाक ने थोड़ी देर बाद फिर मेरे आका फरमांदे ने अस्सलामु अलैकुम ऐसा ते घर वालों तुहाडे ते सलामती होवे। मेरे आका ने सलाम लई हजरत साद ने फिर मौली जा जवाब दिता वालेकुम सलाम। तीसरी मरतबा मेरे आका अली सलातो सलाम ने फिर आख्या सलाम वालेकुम। अगो हजरत साद ने फिर हौली जिहा जवाब दिता ते मेरे आका अली सलातो सलाम तक आवाज नहीं पहुंची। ते मेरे आका इन्ना कदमा तो ही वापस टुर पैना ते हजरत साद ने वेख्या नबी अली सलातो सलाम वो साडे बूए ते आई रहमत वापस टुर चली है ते फौरन पिछे दौड़ पै आका अली सलातो सलाम दे कोल आके आए अल्लाह दे नबी तुसी आए सो ते वापस टुर चले हो। एहसाद मैं तीन मरतबा सलाम लईए तू अगो जवाब कोई नहीं दिता मैं समझिया घर कोई भी नहीं फिर किसे ले आ जावांगे ते अल्लाह दे नबी मैं ते तुहाडे तो वालिदैन कुर्बान अला फिदाऊ का उम्मी व अबिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोनिया तुसी सलाम लईए मैं सुनिए मैं जवाब दिता ते अल्लाह दे नबी मेरा दिल करदा सी तुसी मेरे दरवाजे ते खड़े होके मेरे वास्ते ते मेरे घर वालों वास्ते सलामती दियां दुआवां करदे रवो ते असाद सलामतियां समेटदा रवे। अच्छा ये गल है सहाबा दी सोच तो भी कुर्बान जाइए वारे वारे जाइए। हुण आका अली सलातो सलाम घर नूं बुलाया ते घरदिआं नूं हुकम दिता पानी लियाओ पानी तैयार किया। मेरे नबी ने हजरत साद दे घर दे अंदर गुसल किया हजरत साद दे घर के अंदर ही गुसल किया खाना लिया भाई मेरे आका नूं खाना खिलाया ते मेरे आका टुर पे। हुण हजरत साद दा छोटा जिहा बेटा जिहदा नाम है कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी मेरे आका अली सलातो सलाम दे नाल टुर पै। मेरे आका सवारी ते तशरीफ फरमान ने ते हजरत कैस ने मुहार फड़ीए ते नाल नाल पैदल चलता जा रहा है ते थोड़ा चले ना ते मेरे आका फरमान ने बेटा या ते सवारी दे उते मेरे नाल आके बैठ जा ते या घर वापस चला जा। मेरे नबी नूं इन्ना भी गवारा नहीं आका फरमांदे ने या मेरे नाल सवारी ते बैठ जा अगर तेरा दिल करदा मेरे नाल सफर करन दे ते जे नहीं बैठना ते फिर वापस चला जा। हुण अगर ते कैस बच्चे सन दिल दे विच ए खौफ जाया कि किते मैं अगे पिछे बहन अंदर किते मेरे को बेअदबी ना हो जाए फिक्र ये भी सी किधरे कोई बेअदबी ना हो जाए। तो फिर भी मेरे रसूल दियाँ मुहब्बतों तो कुर्बान जाइए फरमाया बेटा तू बैठ जा सुबहान अल्लाह। ये मेरे आका अली सलातो सलाम ने वल ये भी दसिया कि तुसी जो जाओ तो अपने नाल कोई पैदल टुरदा तो उहदी वारी उन्हूं दया करो उहदी वारी भी उन्होंने दया करो। ये सलाम मेरे आका अली सलातो सलाम ने हक दसे ने ना मैं दसना यह चाहते हाँ कि पहला हक मुसलमान का मुसलमान तो की है सलाम की है कि जो आपस अंदर मिलन तो एक दूसरे नु की कहना है अस्सलामु अलैकुम। ए जनाब नबी पाक अली सलातो सलाम ने और ये सलाम अल्लाह नु भी लफज बड़ा ही प्यारा है। आओ मैं थोड़ा जा कुरान अंदरों भी दसा सलाम अल्लाह नु कितना को प्यारा है। अल्लाह भी अपने नबियां नु आंदा है सलामुन अला इलियासीन। ए मेरे रब दा अपने नबियां वास्ते लफज सलाम मुंतखब है सलामुन अला इलियासीन। किते फरमाया सलामुन अला इब्राहिम
अल्लाह अपने नबियां नूं वी आंदा तुहाडे ते सलामती होवे ते फरिश्ते भी है अपने अल्लाह दे नबियां नूं आके सलाम आंदे ने और फरिश्ते दुनिया ते भी सलाम आंदे ने। कल क्यामत नूं जदों जन्नत अंदर जाओगे तुहाडे दरबार बन के खड़े होणगे तुहानूं सलाम आखणगे। इहदियां दलीलां अल्लाह दे कुरान अंदर ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह पाक दे नबी जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल इंज फरिश्ते आ गए ने ते इंसानी शक्लां दे अंदर ते आंदे ने आ के जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे ते मां जी सारा भी घर दे अंदर ने ना ते की है नक्शा की खिंचया आंदे ने फरिश्ते आके आंदे ने वाला कद जात रुसुलो ना इब्राहिम बिल बुशरा कालू सलामा। किया क्या कालू सलामा। और जिदो फरिश्ते खुश खबरी लैके आए जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वल ते उन्हें आके आख्या कालू सलामा ए अल्लाह दे नबी जी तुहाडे ते तुहाडे घर वालियां ते सलामती होवे। ते अगो जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की आख्या काला सलामुन वालेकुम सलाम फमाला बेसान जा अबे जलन हनी। फरमाया उन्हां नाल सलाम दुआ होई है ते फौरन उठ के गए ने ते जाके पूरा वछड़ा इस कुर्बान करके जिबा करके ओदा गोश्त बना के मेहमाना दे सामने पेश कर देता है। ए नबी इब्राहिम ऐन ते मेहमान नवाज सन ना बहुत ज्यादा मेहमान नवाज ते साडे ते इत्थे आले वे प्रौहणा आ जाए ना ते असीं उहनूं पहलां बिठाने आ सलाम दुआ हुंदी ते फिर बिठाण तो बाद को थोड़ा उहदा पसीना खुशक होवे ते फिर उहनूं आने हाँ ठंडा आवे के तत्ता आवे कि असीं पहलां हुण नबी इब्राहिम अलैहि सलाम ने उहनां नूं कोई ठंडा तत्ता पुछिया उहनां नूं इह नहीं पुछिया हाँ जी बोतल पीओगे या चाय पीओगे नहीं फौरन गए जाके वच्छा कुर्बान किया तकबीर बेरी ओद तिक्का कबाब बना के गोश्त भुन के लिया के ते उन्हां दे अगे रख दिता। असी पुछदे आ पुछदे उन्हां चिर पुछण दे ला चढ़ने उन्हें जिन्हों परौना थक जांदा आंदा चलो ठीक है तो कुछ नहीं लभना चलिए। जे कोई आ गया उन्हूं जिन्ने जोगे तौफीक अल्लाह दे नबी ने भी फरमाया कि मेहमान जिवें दा तुहाडे घर आए ओदी हैसीयत दे मुताबक ओदी खिदमत करो। कोई पिंड दा चौधरी है कोई पिंड दा लंबड़दार है कोई तुहाडा अमीर रिश्तेदार है ओनू ओदी तवक्कुआत दे मुताबक ओदी खिदमत करो। ये मेरे नबी दा फरमान है ते तुसी परौणियां तो मत्थे ना जनाब वट ना पाया करो मत्थे रब दी रहमत समझिया करो। अल्लाह ताला सानू सारयां नू नबी अली सलाम दी हदीस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमा। हुण फरिश्ते आके की आंदे ने काला सलामन के तुहाडे ते इह लफ्ज़ सलाम दी गल हो रही है सलाम दियां बरकतां दी दुआ हो रही है। हुण फरिश्ते कल नूं जदों तुसां जन्नत अंदर जाना ना इंशाला कहो इंशाला जाना ना हाँ हुण बोलणगे इंशाला जन्नत च जाना अल्लाह की मेहरबानी दे नाल ते जिदो तुसी जन्नत अंदर जाना इंज कतारा अंदर फरिश्ते खलोते होणगे ते की आखणगे जन्नत अदनी अदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाईहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलाम अलैकुम। की आखणगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनेमा उकबद्दार। ओ जिदो तुसी जन्नत विच जाओगे हर दरवाजे ते रब दे फरिश्ते खड़े होणगे मिन कुल बाब हर दरवाजे ते रब दे नूरी खड़े होणगे ते जिदो तुसी उन्हां दे कोल पहुंचोगे ओ आखणगे सलाम मन अलैकुम। और रातां नूं उठ उठ के रब नूं मनाण वालिया ओए दुनिया दे उत्ते तंगी दे नाल जिंदगी बसर करके अपने रब दा कदी भी शिकवा ना करन वालिया
और दुनिया दे उते भुक्खा रह के भी नमाजा ना छड़न वाले और दुनिया दे उते तंगियां ते फाके अंदर मुसीबतां ते परेशानियां अंदर सबर ते शुक्र करन वाले ओए उमाड़िया गरीबा नाल जिंदगी बसर करन वाले चौधरियां दियां मारां खान वाले ओए गदेवा चनाब हुकूमत दे चोखे चोखे टैक्स अदा करके सबर शुक्र करन वाले ओ महंगाई दे दौर अंदर रब दा शुक्र करन वाले आ जा सलामुन अलैकुम आज तेरे ते सलामतियां होन हुण उस जगह ते आ गया जिथे आके ना तेनू बिजली दा बिल आउणा ना तेनू गैस दा बिल आउणा ना तेनू पानी दा बिल आउणा ना तेनू जनाबे ते रोटियां पकानियां पैनियां ना तेनू मजदूरियां करनियां पैनियां ने ना तेनू दाबड़े चुकने पैने ने ना तेनू फैक्ट्रियां अंदर फैक्ट्री मालकां दियां गल्लां सुननियां पैनियां ने आ जा बंदे आजा सलामुन अलैकुम इत्थे तेरे वास्ते हमेशा लई सलामती है। दुआ फरमाओ अल्लाह मैनू तुहानू सारयां नू उस सलामती वाला दाखला नसीब फरमा। ए दूसरा मुकाम है फरमाया जो जन्नती जन्नत अंदर जाणगे उदों भी फरिश्ते आखणगे कालू सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन ओ जाओ सलामती नाल अल्लाह दी जन्नत दे अंदर दाखल हो जाओ ते इस जन्नत अंदरों तुहानू हुण कदी कढेगा ही कोई नहीं। इत्थे आके सलाम तुसी जदों मिलदे हो आपस अंदर एक दूसरे नूं की आखना है अजे ते पंज हक पिछे रहिंदे ने एक हक अदा कीता एक ही हक बयान किया अज जुमे अंदर के पहला हक मेरे नबी ने फरमाया कि जिदो आपस अंदर मिलदे हो ते की आखना अस्सलाम वालेकुम ओ तेरे ते सलामतियां होन एक दूसरे नाल सलामती दियां दुआवां कर दे ते टुर चले ना एक दूजे नूं आखो अस्सलाम वालेकुम तू ओहदे वास्ते सलामती दी दुआ कर ओ तेनूं आखे वालेकुम सलाम ओ तेरे वास्ते सलामती दी दुआ करे ते एदा ही ना कुरान दी जेड़ी आयत में पढ़ी है अल्लाह फरमांदे ने वा इजाम हुयितुम बितहियतिन फहय्यो बे अहसना मिन्हा औ रुद्दुहा इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। फरमाया जदों तुसी एक दूसरे नूं तोहफा देंदे हो एक दूसरे नूं तोहफा दिओ ते दूसरे नूं भी चाहीदा वापस तोहफा वापस अदा करे ओ जे कुछ नहीं अपनी हसीयत दे मुताबक ही कम अज कम उहनूं दे देवे और दुआ जे मुल नहीं खरीद सकदा जिहड़ा उहने दित्ता है उही उहनूं वापस तोहफा अदा कर देवे इन्नल्लाह काना अला कुल्ले शैइन हसीबा। मेरा अल्लाह हर शै नू जानदा है हर शै वास्ते काफी है। दुआ करो अल्लाह जो सुनया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह सानू नबी दी हदीस दे मुताबक सानू आपस दे अंदर नफरतां कुदूरतां बुगज हसद दूर करके आपस दे अंदर सलाम नू आम करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।